हम समझते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस तो जैसा कि थोड़ा बहुत चर्चा हमने पहले किया था, तो मैंने बताया था इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो गियर में जो बेस सर्किल होता है, तो बेस सर्किल के ऊपर का जो प्रोफाइल होता है गियर का, वो जो है इन्वॉल्यूट होता है, लेकिन बेस सर्किल के नीचे का जो प्रोफाइल होता है वो इन्वॉल्यूट नहीं होता है, नॉन इन्वॉल्यूट होता है। और जब नॉन इन्वॉल्यूट और इन्वॉल्यूट का कनेक्शन होता है दो टीथ के बीच में, तो फिर जो है फिर वहाँ स्लाइडिंग मोशन नहीं होता है, वहाँ रफ एक्शन होता है। उसके कारण बहुत सारा गियर में जो है बहुत सारा नुकसान हो सकता है, जो एक टीथ है वो दूसरे टीथ में डिक आउट कर सकता है, मटेरियल रिमूव कर सकता है। तो ये सारा हमने समझा था कि ये सब इंटरफेरेंस होता है। इसको जरा हमारे डायग्राम के माध्यम से अगर समझें, तो अगर दो गियर्स हैं, जैसे कि ये हमारा गियर है और ये गियर का बेस सर्किल है, ठीक है, गियर इसका बेस सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ये गियर है और ये इसका पिच सर्किल है, ठीक है। और दो गियर के जो पिच सर्किल मिलते हैं, जो दूसरा गियर है वो नीचे की तरफ है, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम पिच पॉइंट बोलते हैं। दोनों गियर का जो पिच सर्किल है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, और ये नीचे वाले गियर का बेस सर्किल यहाँ कुछ ऐसे है, और ये जो है इसका सेंटर है। तो ये एक्चुअली ये गियर है और ये पिनियन है, ओके। तो हमने देखा था कि ये दो गियर जब कांटेक्ट में हैं, तो इनके पिच सर्किल का जो कांटेक्ट पॉइंट था, पिच पॉइंट, अगर हम कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करें, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, तो पिच पॉइंट्स तो पास करता ही है, बेस सर्किल पे वो टेंजेंट होता है। तो हमने ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ये बेस सर्किल पे टेंजेंट होता है, यहाँ कुछ ऐसा होता है, ये कॉमन नॉर्मल है, ठीक है। और ये बेस सर्किल जो टेंजेंट जो पॉइंट होता है, इसको भी हमने नाम दिया था, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट M और N के बीच में जो लाइन ऑफ एक्शन है, M और N के बीच में जब दो टूथ जो है, दो टूथ आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो उसका कांटेक्ट पॉइंट भी होता है, जो कि पॉइंट K से लेकर पॉइंट L तक होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पाथ ऑफ कांटेक्ट K से L, ये हमारा पिच पॉइंट P है। पिच पॉइंट P है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये K जो क्या होता है कि जब दो टूथ का जहां पे इंगेजमेंट स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट है और ये एंड ऑफ इंगेजमेंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, दो टूथ के बीच में एक इंगेजमेंट पीरियड होता है, इसलिए इसको हम पाथ ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, के से लेकर एल तक, ठीक है। और ये एल एक्चुअली क्या है, ये एल एल जो है ये हमारा अडेंडम सर्किल से पास होता है, ये जो पिनियन है इसका, ये अडेंडम सर्किल है, ओके। और गियर का जो अडेंडम सर्किल है वो के से पास करेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, अभी मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, उसकी जरूरत है नहीं, ये यहाँ के से पास करेगा अडेंडम सर्किल, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अगर हम इसको देखें, तो अगर सेंटर्स को मिलाएं, ये सेंटर कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। और अगर हम O2 से लेकर L तक को मिलाएं, O2 से L तक को मिलाएं, तो ये O2 से लेकर L तक जो है ये पिनियन का अडेंडम सर्किल रेडियस है RA, ये हम पढ़ चुके हैं, ये पिनियन का अडेंडम सर्किल रेडियस है, चूंकि ये अडेंडम सर्किल पे पॉइंट L है, तो O2 L को हम कह सकते हैं कि ये पिनियन का अडेंडम सर्किल रेडियस है। अभी हम क्या करेंगे, अगर हम इस अडेंडम सर्किल रेडियस को बढ़ाएं, अगर हम इस अडेंडम सर्किल रेडियस को बढ़ाएं, RA की वैल्यू बढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है ये जो इसका अडेंडम सर्किल है पिनियन का, ये अडेंडम सर्किल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा,
और ये पॉइंट एल भी थोड़ा आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट एल जो है ये हमेशा लाइन ऑफ एक्शन पे ही ट्रेवल करेगा, जो दो टूथ का कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो हमेशा लाइन ऑफ एक्शन पे ही ट्रेवल करता है, ये हम पहले समझ चुके हैं। तो यल जो है हमेशा ये लाइन ऑफ एक्शन पे ही ट्रेवल करेगा, तो अगर हम आर ए की और वैल्यू बढ़ाएं तो यल जो है ये आगे शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये एडेंडम सर्किल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको इसकी वैल्यू हम बढ़ाते 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 जाएं तो एक टाइम आएगा कि एल जो है एम पे पहुंच जाएगा, ये पॉइंट एल जो है कहाँ पहुंच जाएगा, एम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। एम पे पहुंचने का मतलब कि हमारा एडेंडम सर्किल कुछ ऐसा बन जाए, ये एडेंडम सर्किल जो है ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये कुछ ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये न्यू एडेंडम सर्किल है, न्यू एडेंडम सर्किल, ठीक है, और ये ओल्ड वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर हम ये एडेंडम सर्किल रेडियस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आर एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो पॉइंट एल जो है ये शिफ्ट होते थे पहुंच गया पॉइंट एम पे, और ये हमारा नया वाला एडेंडम सर्किल बन गया, ठीक है। यहां तक तो कोई बात नहीं है। अभी अगर हम एल जो है पॉइंट एम पे पहुंच गया तो हमें अभी हमारा नया वाला जो एडेंडम सर्किल रेडियस है वो हो जाएगा ओ टू एम, जो पहले ओ टू एल था आर ए, वो हो जाएगा अब ओ टू एम, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक जब पॉइंट एल पॉइंट एम तक पहुंच गया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम अडेंडम सर्किल रेडियस की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करें और इंक्रीज करें तो फिर ये पॉइंट एल जो है पॉइंट एम को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और पॉइंट एम को जैसे ही क्रॉस करेगा, पॉइंट एम को जैसे ही क्रॉस करेगा ये फिर बेस सर्किल के अंदर आ जाएगा पॉइंट। बेस सर्किल के अंदर आने का मतलब कि बेस सर्किल तक तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल है, लेकिन बेस सर्किल जैसे ही अंदर एंटर करेंगे फिर वो इन्वोल्यूट प्रोफाइल नहीं रह जाएगा, वो फिर नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल बन जाएगा। और जैसे ही नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल की तरफ हम घुस चले जाएंगे फिर जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो फिर नॉन इन्वोल्यूट और इन्वोल्यूट का कांटेक्ट होगा। जो कांटेक्ट होगा वो कैसा होगा, इन्वोल्यूट इन्वोल्यूट और नॉन इन्वोल्यूट कांटेक्ट होगा, ठीक है। और जैसे ही इन्वोल्यूट और नॉन इन्वोल्यूट कांटेक्ट होगा वहां पे इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पॉइंट एम तक इन्वोल्यूट से इन्वोल्यूट का कांटेक्ट था तो वहां पे गियर का प्योर प्योर गियर का मोशन हो रहा था, वहां प्योर स्लाइडिंग हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम इन्वोल्यूट प्रोफाइल यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इसके अंदर हम बेस सर्किल के अंदर चले जाएंगे तो फिर नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल शुरू हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्योर स्लाइडिंग मोशन नहीं होगा, यहाँ रफ एक्शन शुरू हो जाएगा। और जो दूसरा टीथ है, जो पिनियन का टीथ है, वो फिर गियर के टीथ को फिर वो डग आउट करने लगेगा, मटेरियल रिमूव करने लगेगा, ठीक है। और ये जो एक्शन हो रहा है मटेरियल रिमूवल का, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस गियर्स में होता है। इसका जो जो लेक्चर नोट्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अभी केवल आप यहाँ समझिए कि इंटरफेरेंस होता क्या है। ये इतनी बात हो गई इंटरफेरेंस की। हाँ चलो बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि इंटरफेरेंस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, गियर में इंटरफेरेंस ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा मेथड्स मेथड्स टू प्रिवेंट प्रिवेंट इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस। तो बहुत सारे मेथड हैं लेकिन हम यहाँ पे दो चार मेथड जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला मेथड है अंडर कटिंग, अंडर कटिंग। अंडर कटिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे दो गियर टूथ हैं, ये हमारा एक गियर टूथ है, गियर टूथ है, और ये हमारे गियर टूथ का ये तो डिडेंडम सर्किल हो गया और यहाँ कुछ हमारा बेस सर्किल,
का पोजीशन है। ये बेस सर्कल कुछ ऐसा होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ बेस सर्कल के पोजीशन में। अभी दूसरा टूथ जो है, जो दूसरा गियर टूथ जो इससे कांटेक्ट में है, वो कुछ ऐसा है। ये दूसरा गियर टूथ है, ये इसका बेस सर्किल है। तो इसमें होता क्या है कि जब दो गियर टूथ कांटेक्ट में आते हैं, तो ये बेस सर्किल के ऊपर का जो प्रोफाइल है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो भी कांटेक्ट होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्योर स्लाइडिंग मोशन होगा, क्योंकि ये पूरा इन्वॉल्व प्रोफाइल है। लेकिन जैसे ही ये कॉन्टेक्ट पॉइंट बेस सर्कल के नीचे आएगा, तो बेस सर्कल के नीचे का जो हिस्सा है, ये जो है नॉन इन्वॉल्व है। और जैसे ही नॉन इन्वॉल्व के कॉन्टेक्ट में आएगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि दूसरा टीथ जो है, इसका टिप जो है, ये जो टिप है, ये इसमें इसमें से मटेरियल रिमूव करना शुरू कर देगा, ये इसको डिग आउट करना शुरू कर देगा, और यहाँ प्रॉपर स्लाइडिंग नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि इससे पहले कि ये वाला टीथ इसके अंदर से मटेरियल रिमूव करे, हम खुद ही यहां से कुछ मटेरियल रिमूव कर देंगे, इसको यहां से काट के कुछ मटेरियल हम यहां से रिमूव कर देंगे। सेम चीज हम इधर भी कर देंगे, यहां से कुछ मटेरियल हम हटा देंगे, ठीक है। अब ये इतना मटेरियल यहां से हट गया, यहां से भी हट गया, तो अब जो टीथ यहाँ कांटेक्ट में आएगा, वो यहाँ फिर यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ कोई मटेरियल इसको रिमूव नहीं करना है, ये अपने आप प्रॉपर स्लाइड करके यहाँ से निकल जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं दूसरा टीथ में, यहाँ भी वही दिक्कत हो सकती है बेस सर्कल के नीचे, तो यहाँ से भी मटेरियल रिमूव कर देंगे, यहाँ से इतना हिस्सा हम काट देंगे और इधर से इतना हिस्सा हम काट देंगे, ठीक है। तो ये सेप कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये गियर टूथ एक्चुअली जो बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, जो गियर टूथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा कुछ शेप बनेगा ये। कुछ ऐसा शेप बनेगा गियर टूथ का। अभी क्या दिक्कत क्या है इसमें, इस मेथड में, ठीक है, यहाँ इंटरफेरेंस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा कि चूंकि हमने यहां से मटेरियल हटा दिया है, यहां पे गड्ढा कर दिया है, तो अब ये इसका विड्थ जो है यहां पे कम हो गया, जो बेस पे है जो है गियर टूथ का, जो विड्थ कम हो गया, इससे क्या होगा कि ये टूथ जो है ये वीक हो जाएगा। इस मेथड की यही दिक्कत है कि अंडरकटिंग से इंटरफेरेंस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन टूथ जो है वीक हो जाएगा, बहुत दिन तक नहीं चलेगा, टूट जाएगा। तो ये इस मेथड की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया, ठीक है। इसका हमने फायदा बता दिया है कि इससे इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे एक नुकसान भी है कि टूथ जो है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और बहुत दिन तक वो चलेगा नहीं गियर, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड जो है उसको हम बोलते हैं स्टबिंग, स्टबिंग स्टबिंग ऑफ टूथ, स्टबिंग ऑफ टूथ। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो गियर टूथ है, ये गियर टूथ कुछ ऐसा होता है, गियर टूथ है ये, और यहाँ कुछ ये पिच सर्किल है, और ये ऊपर सबसे एडेंडम सर्किल है। इसमें क्या करते हैं स्टबिंग में कि हम गियर टूथ को यहाँ ऊपर से एडेंडम साइड से ऊपर से कुछ हिस्सा जो है इसका कट कर देते हैं, कुछ हिस्सा यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कुछ हिस्सा कट करके बाहर निकाल देते हैं, स्टब कर देते हैं कुछ हिस्सा, इसीलिए इसको स्टबिंग बोलते हैं कि यहाँ से ये इतना हिस्सा हम काट के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि गियर टूथ का जो है वो हाइट कम हो जाएगा, ठीक है, गियर टूथ का हाइट कम हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा दूसरे टीथ में, इससे ये फायदा है। तो अब इससे क्या होगा कि चूंकि ये हमने इतना हिस्सा कट कर दिया, तो अभी गियर का साइज छोटा हो गया, अब ये गियर हमारा इतना ही होगा, तो इसका अटेंडम सर्किल फिर नीचे आ जाएगा, फिर ये अटेंडम सर्किल भी तो चेंज हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, अब ये हमारा न्यू अटेंडम सर्किल होगा, न्यू अटेंडम सर्किल,
ये ओल्ड था, ओल्ड अडेंडम सर्किल, ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा कि गियर की हाइट कम हो गई, तो ये फिर कम से कम इंटरफेयर करेगा दूसरे गियर में। जितना हाइट ज्यादा होगा उतना ज्यादा इंटरफेयर करके मटेरियल मूव करेगा, लेकिन यहां हमने हाइट कम कर दिया, ऊपर का कुछ ये पोर्शन काट के निकाल दिया, तो ये कम से कम इंटरफेयर करेगा, इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे एक दिक्कत ये है कि यहाँ चूंकि हमने मटेरियल काट निकल दिया, तो इसका अडेंडम सर्किल जो है ये नीचे आ गया है। अडेंडम सर्किल नीचे आ गया मतलब कि अडेंडम सर्किल का रेडियस कम हो गया है, अडेंडम सर्किल की रेडियस कम होने से भी नुकसान है, क्योंकि हमको पता है कि जो फॉर्मूला होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट का, पाथ ऑफ कांटेक्ट के फॉर्मूले में क्या होता है, पाथ ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट का। प्लस पाथ ऑफ कांटेक्ट में होता है पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस, दोनों होता है। तो उसमें से पाथ ऑफ अप्रोच को हम लें तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। अभी इसमें इस फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो आर ए स्क्वायर ये क्या है, ये अडेंडम सर्किल की रेडियस का स्क्वायर है। तो अगर आर ए स्क्वायर की वैल्यू हम आर ए की वैल्यू हम कम कर देंगे तो फिर ये टोटल वैल्यू कम हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू कम हो गई थी, ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी मतलब पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइड बाई कॉस फाई, कॉस फाई। तो अगर पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी फिर आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी तो कॉन्टेक्ट रेशियो कम हो जाएगा। कॉन्टेक्ट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइड बाई सर्कुलर पिच। तो यहां पे अगर आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू कम हो गई तो कॉन्टेक्ट रेशियो कम हो जाएगा। अब यहां दिक्कत हो जाएगा, जब ये कॉन्टेक्ट रेशियो की वैल्यू कम होगी तो हमको पता है, मैंने बताया भी था क्लास में, कि कॉन्टेक्ट रेशियो की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकता। कॉन्टेक्ट रेशियो मतलब कि एक एंगेजमेंट पीरियड में कितने नंबर ऑफ पेयर कॉन्टेक्ट में है, तो कम से कम एक पेयर तो कॉन्टेक्ट में रहेगा ही रहेगा। तो अगर कॉन्टेक्ट रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये दिक्कत है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 1 से कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ एक लिमिटेशन लग गया कि ठीक है इसको हम स्टब कर सकते हैं जिससे इंटरफेरेंस कम हो सकता है, लेकिन इसके स्टबिंग के कारण हमको देखना पड़ेगा कि कहीं कॉन्टेक्ट ऑफ रेशियो की वैल्यू 1 से कम तो नहीं हो रही। दूसरी एक और दिक्कत इसमें है, इस मेथड में, कि अगर कॉन्टेक्ट रेशियो की वैल्यू कम होगी तो कॉन्टेक्ट रेशियो का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ पेयर एक एंगेजमेंट पीरियड में कॉन्टेक्ट में है। अगर नंबर ऑफ पेयर एक एंगेजमेंट पीरियड में कॉन्टेक्ट में अगर कम हो जाएंगे तो जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो उतना इफिशियंटली नहीं होगा, ठीक है। जैसे जितने नंबर ऑफ पेयर एक साथ पावर ट्रांसमिशन करेंगे उतना अच्छा पावर ट्रांसमिशन होगा, अगर नंबर ऑफ पेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, कम पेयर कॉन्टेक्ट में रहेंगे, तो फिर उतना अच्छा पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये भी एक दिक्कत है। तो ये दो तरह की समस्याएं हैं इस मेथड के साथ, ठीक है। इंटरफेरेंस तो कम हो जाएगा लेकिन ये दिक्कतें रहेंगी। तो फिर हम अगले मेथड की तरफ मूव कर सकते हैं, करते हैं। अगला मेथड जो है, हर मेथड में कुछ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उसको भी देखना जरूरी है। तो अगला जो मेथड है वो है इंक्रीजिंग द प्रेशर एंगल, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल को हम दिखाते हैं फाई से। इसमें क्या होगा कि हमको पता है कि जब दो गियर कांटेक्ट में होते हैं, दो गियर जब कांटेक्ट में होते हैं, ये ऐसा कुछ था, अभी हमने डायग्राम बनाया भी है, ये दोनों गियर का पिच सर्किल है और ये दोनों गियर का बेस सर्किल है। तो हमको पता है कि जो कॉमन नॉर्मल होता है वो दोनों बेस सर्किल पे टेंजेंट होता है और पिच पॉइंट से पास करता है, ठीक है। और यहाँ कुछ ऐसा कॉमन टेंजेंट होता है जो दोनों पिच सर्किल पे टेंजेंट होता है, और इस कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं प्रेशर एंगल, ठीक है।
और इस मेथड में क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर एंगल, मतलब प्रेशर एंगल की वैल्यू इंक्रीज करनी है। अगर प्रेशर एंगल की वैल्यू इंक्रीज करनी है मतलब ये कॉमन टेंजेंट तो अपनी पोजीशन से चेंज होगा नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा। अगर प्रेशर एंगल की वैल्यू इंक्रीज करनी है मतलब ये जो कॉमन नॉर्मल है इसका स्लोप हमको और ज्यादा करना पड़ेगा, ये कॉमन नॉर्मल मतलब थोड़ा सा और सीधा रहेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये नया तब जाके यहां पर देखिए ये प्रेशर एंगल की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी 5 डैश। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से अगर कॉमन नॉर्मल की पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं फिर ये बेस सर्किल की पोजीशन भी चेंज होगी, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल बेस सर्किल पे टेंजेंट है। ठीक है, और अगर ये कॉमन नॉर्मल यहां पे आ गया फिर ये बेस सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पे ऐसा बन जाएगा और यहां पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए आप तो ये नया वाला कॉमन नॉर्मल नए वाले बेस सर्किल पे टेंजेंट तो है लेकिन इन दोनों बेस सर्किल का रेडियस कम हो गया। ठीक है, दोनों बेस सर्किल का रेडियस कम हो गया तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा उसको अलग डायग्राम में देखना पड़ेगा कि अगर ये कुछ ऐसा टीथ है हमारा, ये ऐसा टीथ है हमारा और ये बेस सर्किल है, ये बेस सर्किल है, ये बेस सर्किल है, तो इसमें क्या है कि हमने बताया कि बेस सर्किल के ऊपर का जो प्रोफाइल है इन्वोल्यूट है और इसके नीचे का प्रोफाइल नॉन इन्वोल्यूट है, और इसी इसी नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल से वो खतरा है, ये जो नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि जब प्रेशर एंगल हम बढ़ा रहे हैं तो बेस सर्किल का रेडियस कम हो रहा है, बेस सर्किल का रेडियस कम हो रहा है मतलब फिर ये नया वाला जो बेस सर्किल होगा इस बेस सर्किल के नीचे आएगा, नया वाला बेस सर्किल इस बेस सर्किल के नीचे आएगा। ठीक है, ये न्यू न्यू बेस सर्किल है, ये ओल्ड है, ओल्ड बेस सर्किल। अभी आप ध्यान से देखिए अगर ये नया वाला बेस सर्किल इसके नीचे आ जाएगा तो ये जो इतना बड़ा नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल था वो फिर इतना ही तो रह जाएगा, मतलब नॉन इन्वॉल्व का जो पोर्शन था वो फिर कम हो गया। ठीक है, तो जो इतना ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था वो इंटरफेरेंस घट के बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे हो रहा है कि प्रेशर एंगल हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस देखिए यहाँ पे बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर इस मेथड का भी एक लिमिटेशन है। इसका क्या लिमिटेशन है कि मैंने पहले ही बताया था प्रेशर एंगल हम जब हमने डिस्कस किया था कि जो फाई की वैल्यू है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री तक ही हो सकती है, इन्वॉल्यूट गियर के लिए फाई की वैल्यू 20 से 25 ही हो सकती है, 25 से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 25 हो सकता है। तो हम कह तो रहे हैं कि प्रेशर एंगल बढ़ाना है लेकिन ये इसका लिमिटेशन ये है कि प्रेशर एंगल की मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वैल्यू 25 डिग्री ही हो सकती है, 25 डिग्री से ज्यादा हम प्रेशर एंगल को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो देखिए यहां भी इस मेथड का भी एक लिमिटेशन आ गया कि ठीक है प्रेशर एंगल बढ़ाने से इंटरफेरेंस कम हो रहा है लेकिन प्रेशर एंगल को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, अप टू 25 डिग्री ही हम बढ़ा सकते हैं, तो इस मेथड से हम पूरी तरह इंटरफेरेंस को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, तो अगला जो मेथड है फोर्थ मेथड वो है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। तो इसमें क्या करना है कि हमको गियर पे जितने टीथ हैं उनका नंबर बढ़ाना है, बेसिक जो लिखा है वही मतलब है। तो इसमें करना क्या है कि जैसे जैसे ये गियर है, गियर है, ये पिच सर्किल है, और ये इसका एडेंडम सर्किल है, तो अगर हमको नंबर ऑफ टीथ बढ़ाना है गियर पे तो वाजिब सी बात है कि ये काम हो करना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा टीथ है इसका साइज कम करना पड़ेगा उसी गियर पे उसी उतने ही सरकमफेरेंस पे, चूंकि हमको बनाना है। तो अगर 10 टीथ की जगह 20 टीथ हमको बनाना है तो फिर हमको इस टीथ का साइज कम करना, छोटा करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि नंबर ऑफ टीथ हम बढ़ाएं। मतलब ये अगर इतना बड़ा टीथ है तो हमको अगर नंबर ऑफ टीथ बढ़ाना है तो टीथ का साइज कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है,
और जैसे इस टीथ का साइज हम छोटा करेंगे तो हमको अपने आप दिख रहा है ये चीज कि अटेंडम सर्किल का रेडियस कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये न्यू अटेंडम सर्किल हो जाएगा, ये ओल्ड है। अब ओल्ड अटेंडम सर्किल है तो इससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पे जब टीथ का साइज छोटा हो गया, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ देखिए टीथ का हाइट कम हो गया। अब टीथ का हाइट कम हो गया, इतना हिस्सा हट गया है, ठीक है, इतना हिस्सा हट गया, ये टीथ का हाइट कम हो गया, तो फिर ये उतना इंटरफेयर नहीं करेगा जितना ये वाला टीथ कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो छोटा टूथ है ये दूसरे गियर टूथ में उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, जिससे हमारा इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है। दूसरा दूसरा ये कि अगर नंबर ऑफ टीथ हम बढ़ा देंगे गियर पे तो फिर कांटेक्ट रेशियो भी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टीथ अगर बढ़ जाएगा तो फिर नंबर ऑफ पेयर एक एंगेजमेंट पीरियड में जो कांटेक्ट में होने चाहिए वो ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही नंबर ऑफ पेयर ज़्यादा होगा तो कांटेक्ट रेशियो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट रेशियो भी बढ़ जाएगा। कांटेक्ट रेशियो अगर बढ़ जाएगा तो हमको पता है फिर पावर ट्रांसमिशन बहुत ही इफिशियंटली होगा। नंबर ऑफ पेयर अगर ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो सारे मिलके जो है पावर का ट्रांसमिशन बहुत इफिशियंटली करेंगे। ठीक है, तो इससे देखिए दो फायदे हो गए कि एक तो इंटरफेरेंस कम हो गया और फिर पावर ट्रांसमिशन भी बहुत इफिशियंटली होगा। ठीक है, अब देखा जाए जैसे बाकी सारे मेथड में बहुत सारे नुकसान भी थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है? तो इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात इस मेथड की यही है कि इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे फ़ायदा ही फायदा है। एक तो इंटरफेरेंस कम हो रहा है, दूसरा कांटेक्ट रेशियो बढ़ रहा है जिससे पावर ट्रांसमिशन बहुत ही इफिशेंटली होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए ध्यान से तो हमने अभी तक चार जो मेथड पढ़े हैं, पहला मेथड क्या था? अंडर कटिंग, फिर क्या पढ़ा हमने? स्टबिंग ऑफ टूथ, फिर तीसरा मेथड क्या पढ़ा हमने? इंक्रीजिंग प्रेशर एंगल, और चौथा मेथड पढ़ा हमने इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ। इन चारों मेथड में सबसे बेस्ट जो मेथड है वो यही मेथड है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टूथ ऑन गियर। ठीक है, तो ये इतने सारे जो मेथड हमने पढ़े इंटरफेरेंस कम करने के लिए या इंटरफेरेंस रिमूव करने के लिए, इन सब में जो बेस्ट मेथड है वो है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टूथ ऑन गियर। तो इसीलिए हम केवल अब आगे जो पढ़ेंगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे नंबर ऑफ टूथ को हमको इंक्रीज करना है गियर पे, क्योंकि बाकी सारे मेथड में तो कुछ ना कुछ समस्या है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे, अभी यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ ये लेक्चर, तो अगला जो लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे वो इसी पे करेंगे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। ठीक है, थैंक यू।